नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी के द्वारा TRE3 यानी कि शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण की बहाली का सिलसिला चल रहा है। परीक्षा समाप्त हो गया और स्कैन जो OMR सीट है, यानी कि हर एक छात्र जो एग्जामिनेशन में अपना OMR सीट भर के परीक्षा दिए हैं, उसे अब आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ एंसर की को लेकर भी अब जो है बातें शुरू हो गई हैं। एक नोटिस जारी किया गया है बीपीएससी के द्वारा कल रात। आप देख सकते हैं नोटिस में लिखा हुआ है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 19 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वो दिनांक 15 अगस्त 2024 से लेकर 22 अगस्त 2024 तक आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी स्वयं के डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना OMR सीट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोडेड OMR सीट में किसी प्रकार की त्रुटि रहने पर 27 अगस्त 2024 तक एग्जामिनेशन कंट्रोलर BPSC जो साइट दिया गया है पर आपत्ति कर सकते हैं। दिनांक 27 अगस्त 2024 के उपरांत किसी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही दिनांक 22 अगस्त 2024 तक डाउनलोड नहीं करने की स्थिति में आयोग की वेबसाइट पर OMR सीट उपलब्ध नहीं रहेगा। यानी कि बता दें आपको हम कि OMR सीट को लेकर यह सूचना दी गई है, एंसर की को लेकर अभी कोई बातें नहीं है। एंसर की इसके बाद जो है वो प्रकाशित किया जाएगा, उस पर भी आपत्ति मांगी जाएगी और उसमें भी सुधार का मौका दिया जाएगा। तो आपको हम बता दें कि बीपीएससी के द्वारा जो है ये सारी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और रिजल्ट को लेकर हम आपको बता दें कि रिजल्ट को लेकर अब संभावनाएं सितंबर में जा रही हैं, क्योंकि 27 अगस्त तक जो है OMR में सुधार का है, एंसर की आएगा उसमें सुधार का फिर रहेगा, ये आपत्ति आपसे लेने का मौका दिया जाएगा, समय दिया जाएगा। एंसर की भी जो है वो बहुत सारे संवर्ग का जारी करना है, लंबा प्रोसेस है। और ऐसे में जो खबरें चल रही हैं कि अगस्त अंतिम सप्ताह तक परिणाम घोषित किए जाएंगे, इसकी संभावनाएं कम बन रही हैं। आपको बता दें कि रोस्टर जो जिलों से मांगे गए हैं, चूंकि पूरा जो नई आरक्षण व्यवस्था पटना हाईकोर्ट को द्वारा रद्द कर दी गई थी, ऐसे में जिलों से रोस्टर क्लियरेंस आरक्षण को लेकर मांगा गया है और वो अभी तक शिक्षा विभाग को नहीं मिला है। जो संभावनाएं बताई जा रही हैं कि सोमवार मंगलवार तक कहा गया है कि वो शिक्षा विभाग में जो आरक्षण रोस्टर हैं विभिन्न जिलों के वो जमा कर दे, तो ऐसे में उसमें देरी भी हो सकती है, हालांकि डेडलाइन दिया गया है। और इसके साथ साथ बता दें कि आयोग के द्वारा जो है OMR सीट को लेकर ही सुधार और ये सब का समय जो है 27 अगस्त तक दिया गया है। तो ऐसे में आंसर की उसके 22 अगस्त के बाद ही जारी होने की संभावना दिखती है। और आपको बता दें कि संभावनाएं अब बन रही हैं कि TRE3 का रिजल्ट जो है वो सितंबर में जारी किया जाए। तो बता दें आपको हम कि BPSC के द्वारा जो है वो नोटिस दिया गया है शिक्षक बहाली से संबंधित। OMR सीट आपको बता दें एक हफ्ता देरी से आ रहा है, पिछले ही हफ्ते इसके आने की संभावना थी और इसके बाद आंसर की का प्रोसेस शुरू होगा। और बता दें आपको हम कि रिजल्ट अब सितंबर में प्रकाशित होने की संभावनाएं बन रही है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं 22 आज से लेकर 22 अगस्त तक अपना OMR सीट जरूर अपलोड कर ले और उसका मिलान कर ले। अगर कोई त्रुटि है, कोई गड़बड़ी है या कोई आपको लगता है कि आशंका की कुछ तरह का छेड़छाड़ या गड़बड़ी कुछ भी हुआ हो, तो 27 अगस्त तक आप आयोग से जाकर, आयोग द्वारा दिया गया है वेबसाइट, उस पर जाकर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अगर सुधार होने की गुंजाइश होगी तो उसमें सुधार जरूर होगा। तो बता दें आपको हम कि BPSC TRE3 रिजल्ट प्रकाशन की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है और रिजल्ट सितंबर में संभावित लगता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।